आज के कंपैरिजन में व्हाट आई फील कि स्टूडेंट के लिए ना, सीरियस स्टूडेंट के लिए काफ़ी चैलेंजेस बढ़ गए हैं. सो मैनी डिस्ट्रैक्शंस, नॉट इन द सेंस कि मतलब लाइक मेल फीमेल वाला, व्हाट आई मीन यूट्यूब आ गया है. ठीक है, आप सोशल मीडिया पे मतलब अगर मोबाइल में चले गए तो एक रील देखी तो 100 रील देख लेते हो आप. इंस्टा पे टाइम स्पेंड कर रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं और जगह आप टाइम स्पेंड कर रहे हो. बुक्स में क्या है, आपने कोई एक बुक पढ़ी, फिर कोई बोल देता है ये बुक तो बेकार थी और कोई पढ़नी है आपने, तो वो कन्फ्यूजन के चक्कर में बड़ा चैलेंज हो रहा है स्टूडेंट्स को अभी काफ़ी. एग्ज़ाम भी, हाँ एग्ज़ाम में पहले क्या करता था यूपीएससी ना, मेंस में ही टफनेस रखता था, मेंस में दिखाता था कि हाँ मैं यूपीएससी हूँ मेंस में और प्री इंटरव्यू में. अभी 2023 में उसने प्रीलिम्स में वो दिखाया है. मतलब मुझे उतना डिफरेंस नहीं लगा क्योंकि बिकॉज आई हैव सीन दिस. यूपीएससी का इन आउट मुझे पता है कि यूपीएससी क्या खेलता है, क्या क्या कर सकता है, तो वो चीज़ें हमें फील होती थी जब भी यूपीएससी का मेंस देने जाते थे ना, तो वी यूज़ टू फील यार मतलब कोचिंग अलग है, यूपीएससी अलग है, क्या उन्होंने पेपर दे दिया, बिल्कुल हालत ख़राब कर दी. तो वो मेंस में वो फीलिंग आती थी, हम पढ़ के कुछ जाते थे वहाँ क्वेश्चन कुछ आ रहा है ऐसा. तो वो अब की बार उन्होंने प्री में भी स्टार्ट कर दिया, मतलब प्रीलिम्स से ही दे आर लाइक सीरियस कि लाइक यू हैव टू बी सीरियस अबाउट प्रीलिम्स एज वेल. नहीं तो प्रीलिम्स में ठीक है, कंपटीशन तो पहले भी था कि अच्छे कैंडिडेट का ही प्रीलिम्स स्टार्टिंग में भी निकलता था, बट इतने चेंजेस एकदम से नहीं करता था. करता था हल्के फुल्के चेंज, या 2011-12 के पास एकदम किए थे उसने चेंजेस, तो वो फील हुआ था थोड़ा सा. तो ये थोड़ा सा इस बार मुझे प्रीलिम्स देख के लगा जी एस एंड सी सेट बहुत, तो उसने थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ा दिया अभी उसने प्रीलिम्स में. क्वेश्चंस उसने चेंज किया है, जैसे पहले ऑप्शन दिए रहते थे ए बी बी सी, अभी क्या है नहीं मतलब कुछ भी सी बी. तो ये तो मैं only 2 only 4 में तो ये हमारे कोचिंग वालों ने भी तो कुछ किया है ना, उस पर यूट्यूब पे इतनी सारी एलिमिनेशन टेक्निक डाल दी है, तो यूपीएससी तो आगे जाएगा ना. यूपीएससी लाइक ट्राई इज लाइक इट्स बेस्ट कि कोचिंग के बियॉन्ड जाता रहे हमेशा. और उससे क्या होता है, अगर जब भी एग्ज़ाम की टफनेस बढ़ती है बच्चा घूम फिर के भागता तो कोचिंग पे ही है ना दोबारा से फिर, क्योंकि कोचिंग फिर क्या है उनको थोड़ा सा इजी वे में जो भी पैटर्न चेंज हो रहा है उसको हेल्प करने की कोशिश करते हैं जैसे भी है. तो यूपीएससी को अगर चाहिए कि मतलब थोड़ा सा पैटर्न स्ट्रीमलाइन करे, चेंज ना करे बार बार, पर उसमें क्या है कि अगर पैटर्न सेम रखेगा ना तो फिर क्या है कोचिंग वाले ना क्या करेंगे, उसके इतने सारे शॉर्ट ट्रिक निकाल देंगे. जो कोचिंग में एडमिशन लेगा बच्चा उसके लिए ईजी हो जाएगा, जो रूरल एरिया में बच्चा है जो बिल्कुल कोचिंग में नहीं गया तो उसके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहेगा, तो उसकी वजह से वो चेंजेस तो करते रहते हैं पैटर्न में. ये तो है यूपीएससी का. व्हाट इज अबाउट 2024? टफ रहेगा, दोनों पेपर टफ रहेंगे जी एस एंड सी सेट, बिकॉज क्योंकि सी सेट में सी सेट डिफ़िकल्ट किया तो मैंने तो क्लास में भी बोला कि पहले लगा था कि गलती से हुआ है, फिर बाकी और एग्ज़ाम उसने यूपीएससी के देखे तो ऐसा लगा कि पूरी साजिश चल रही है, सोच समझ के पूरी साजिश कर रहे हैं. क्योंकि असिस्टेंट कमांडेंट सीपीएफ में भी उन्होंने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा है, सीडीएस में भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड एग्ज़ाम में भी उन्होंने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा है. तो मतलब ये तो है कि हमें अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, अब वो ईजी गेम नहीं रहेगा जी एस और सी सेट दोनों के लिए. ऐसा क्यों है, आपने हमेशा सोचा कि हमें पास होना है, सर माने के कोई क्वेश्चन अगर सी सेट का होता है तो नहीं हो पाता है तो उसको कैसे मतलब मोटिवेट रहेंगे कि देखो आपने अपना एक एम सेट करना है. मैं बताता हूँ, मैंने जब पहला अटेम्प्ट दिया था तो कोचिंग में आया था, हिंदी मीडियम से पढ़ के आया था, तो फ्रेंड्स सब दे रहे थे तो मैंने भी दे दिया था, बट आई कुडंट क्लियर प्रीलिम्स दैट ईयर. पहले अटैम्प्ट में बिल्कुल पहला जो मेरा अटैम्प्ट, चार ही अटैम्प्ट होते थे, सबसे बड़ी गलती मैंने वो की थी, चार अटैम्प्ट में से एक अटैम्प्ट ऐसे ही वेस्ट किया था. फिर लेकिन मैंने एक टारगेट रखा कि मेरा कुछ हो जाए, अगर यूपीएससी सिर्फ 500 बच्चों का मेंस लिखवाएगी तो मेरा नाम होना चाहिए, दैट्स इट. तो मतलब एक कसम खाने वाली बात हो गई थी कि नहीं, अगर 500 बच्चे भी मेंस लिखेंगे तो मेरा नाम वहाँ होगा पक्का. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन होता था, इतना अच्छे से उसको रगड़ा, मतलब रगड़ना कहते हैं, पढ़ना नहीं रगड़ा, पढ़ना रगड़ने में बहुत डिफरेंस है. तो जो जो चीज़ें गैप थी सारे फिल किए, जहाँ पे भी डाउट हो रहा था चार बार पढ़ा, 10 बार पढ़ा, 20 बार पढ़ा. एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की लक्ष्मीकांत आती थी, वो पूरी रट डाली थी,
किसी को पकड़ा देता ना वो कोमा बता देता था मैं कि हाँ इसके बाद कोमा है, इसके बाद फुल स्टॉप है, इस ऑथर ने इस बुक में यही एक उसकी लाइन लिखी है इस बुक में, बाकी मुझे उस ऑथर का पता नहीं, मैंने वो रट लिया पूरा और बाकी कुछ और एक्स्ट्रा ऑथर की बुक भी पढ़ ली थी। तो उस साल 120 क्वेश्चन प्रीलिम्स में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पूछते थे ऑप्शनल में, 117 का मुझे सोर्स पता था, मुझसे अगर कोई पूछता ना मैं ये बता सकता था इस लाइन से क्वेश्चन उठ के आया था। तो आपको अपना स्टैंडर्ड ऊपर रखना ही पड़ेगा, आपने अपना स्टैंडर्ड ये है कि आप कभी भी मत सोचो कि आपकी तैयारी जो आपके कोचिंग में आपको मिल रहे हैं ना सिर्फ उन्हीं से कंपटीशन है, आपको सोचना है आपका कंपटीशन जो आईपीएस बन चुका है, जो आईआरएस बन चुका है, उनके लेवल का कंपटीशन है। तो आपको अपना स्टैंडर्ड तो हमेशा हाई रखना पड़ेगा तभी आप अचीव कर दो। सब मेंटल गेम है। हम तीन फ्रेंड थे, हम कोचिंग जाते थे, ठीक है, उसमें से एक तो बन गया, हम दो नहीं बने, तो हम तीनों एक साथ बैठते थे, तीनों का हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल भी था, दो ऑप्शनल हुआ करते थे पहले। तो मेरा फ्रेंड अभी तो मिनिस्ट्री में, वो पीएस आया हुआ है किसी मिनिस्टर का, असम मेघालय कैडर मिला हुआ है उसको, तो मैं गया था शिलोंग में, तो उसको किसी भी कंट्री की कैपिटल पूछो बता देता था, कोई भी कंट्री पूछी कैपिटल, क्योंकि वो तो मर्चेंट नेवी में 7 साल जॉब करके आया था तो उसको सब पता थी। उसने मुझे बैकग्राउंड नहीं बताया कि मर्चेंट नेवी में जॉब आया, उसने कैपिटल बताई 5 कंट्री। मुझे फील हो गया यार इसको आती तो मुझे क्यों नहीं आती, तो मैंने अपने आपको एक चैलेंज दिया कि 2 दिन लूँगा सारी कंट्री और कैपिटल रट के मानूंगा। और उस टाइम फैक्चुअल क्वेश्चन आते थे, कैपिटल से भी क्वेश्चन आते थे, ज्योग्राफी ऑप्शनल में रिक्वायर्ड था। बट एक दूसरा दोस्त था, वो चाह रहा था कि मैं क्यों सीखूँ, उसने कर दी उंगली, वो बोला नहीं 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 यार इसको तो इसलिए आते हैं मर्चेंट नेवी में जॉब किया हुआ है। तो मतलब मैंने तो ठान ली ना, ठान लेना होता है ना एक, कि अगर आपने ठान ली कि आपने 2 दिन में ये काम करना है, आप करके मानोगे, और जब वो ठान के आप काम करोगे ना, आपको अपने अंदर से एक चेज नज़र आएगा, आपको अंदर से एक ना खुशी महसूस होगी। अभी पीछे एक स्टूडेंट मेरे को ना अपने नोट्स दिखाने आया, फॉरेस्ट सर्विस में सिलेक्ट हो गया, वाजीराम में मेरी मैपिंग की क्लास की हुई थी उसने, तो उसने अपने नोट्स दिखाए मैपिंग पे, उसने मेरे से बियॉन्ड बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी थी अपने मैपिंग नोट्स पे। मैंने बोला जब तुमने ये नोट्स बनाए होगा, नोट्स इज सेकेंडरी, बट तुम्हें अंदर से कितना सेटिस्फेक्शन मिला होगा, बोला यस सर। तो वो चीज़ चाहिए आपको, आप जब मेहनत करोगे ना, और आप अपने जब डाउट क्लियर करोगे, क्रिस्टल क्लियर एक फ्लो चार्ट बना लोगे चीज़ें, दूसरों का थीमेटिक मैप आपको हेल्प नहीं करेगा, दूसरों के मेंटल मैप आपको हेल्प नहीं करेंगे, आपने अपने मेंटल मैप बनाने हैं। जिस दिन आप अपना मेंटल मैप प्रोड्यूस करोगे ना, तब आपको अंदर से एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आएगी, वो चाहिए हमें अचीवमेंट वाली, अपनी खुशी के लिए एक अंदर से खुशी आनी चाहिए, हाँ मैंने कुछ किया। जब तक वो खुद मेहनत नहीं करोगे ना, तो वो इशू होएगा आपको। हाँ जी, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। तो ये चीज़ है, आप देखो आप कहाँ फंस रहे हो, उसको अवॉइड मत करो, उसको रगड़ दो, उसको पकड़ो, नोट्स देखो, एंड जस्ट मेक योर ओन नोट्स, आपको अंदर जो वो खुशी आएगी ना, दैट विल हेल्प यू टू क्रैक दिस एग्जाम। आपने जहाँ भी अटक रहे हो, जहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपको वो दूर करनी करनी है, आपने उसको क्लियर करना ही करना है, आपने अपनी एनर्जी उसमें डालनी ही डालनी है, उसे भागना नहीं है। और वो जो खुशी है ना, मुझे ना वो चेहरे पे खुशी देख के मज़ा आता है स्टूडेंट्स के। जैसे एक स्टूडेंट थी 3 साल पहले, 3 बार प्री दे के आई थी, नहीं पास हुई, नहीं हाँ कई बार मैंने क्लास में भी एग्जाम्पल दिया, तो उसकी प्रिपरेशन में देखा मैंने बेसिक काफ़ी फ्लो थे, तो उसको मैंने गाइड किया कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, उसने इतनी मेहनत की उसका 6 किलो वेट घट गया, मतलब उसके वेट से ही पता चल रहा था कि ये मेहनत की जा रही है पूरी। और उसका प्री हुआ, लेकिन प्री का रिजल्ट से पहले वो मेरे पास आई, उसने मुझे एक वर्डिंग बोली, बोली सर मुझे नहीं पता मेरा प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा, ठीक है, बट मुझे अब ये पता चल गया करना क्या है यूपीएससी में। वो चीज़ चाहिए, रिजल्ट तो अपने आप आएगा, बट आपको ये पता चल जाए कि आपको करना क्या है। उसका प्री हुआ, उसके आंसर राइटिंग अच्छी थी, मेंस हुआ, इंटरव्यू में वो रह गई, और इंटरव्यू के तुरंत बाद प्रीलिम्स होता है, उसका वो प्रीलिम्स भी रह गया, अभी दोबारा से उसने तैयारी कर रही है। तो वो चीज़ें हैं, मतलब वो लेवल तक हमें पहुँचना है। हाँ जी, हैप्पी दिवाली जी। तो दैट इज इम्पोर्टेंट, मतलब आपको वो चीज़ रियलाइज करनी है कि
हमें क्या अचीव करना है और उसके लिए पीछे नहीं हटना है. इफ़ यू गेट फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा नेगेटिव फीलिंग आए, कन्फ्यूजन स्टार्ट हो, नेगेटिविटी आए, ऑल दीज आर पॉजिटिव साइन. जब तक कि आपकी मसल में पेन नहीं होगा, आपकी मसल बनेगी ही नहीं, ये समझो. जब तक ये फटना ना स्टार्ट करे ना, मज़ा नहीं आएगा आपको. आप ना वो मज़ा लो इसको, यूपीएससी का ना वो एक लेवल क्रॉस करके देखो, यू विल से थैंक यू टू मी इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिजल्ट. आप मुझे ये आके बोलोगे, सर आपने जो चीज़ बोली थी अब वो चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि यूपीएससी है क्या और करना क्या है, अब हमें पता चल गया. कोई भी आप किसी भी चीज़ पे वुडन पे आप पॉलिश करते हो, जब तक उसको रगड़ोगे नहीं, फ्रिक्शन नहीं करोगे, चमक नहीं आएगी. आपको उस लेवल पे पहुंचना है और वो आपके चेहरे से पता चल जाएगा कि हाँ आप उस लेवल पे पहुंच रहे हो आप धीरे धीरे, एंड दैट इज़ मस्ट. और वो इसके लिए नहीं, यूपीएससी के सिलेक्शन के लिए नहीं, आपकी पर्सनैलिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है. मेरे लिए तो यूपीएससी एक वरदान है. मुझे जो पे किया यूपीएससी ने, आई एम नॉट सिलेक्टेड बट स्टिल आई एम रियली थैंकफुल टू यूपीएससी. एज ए पर्सनैलिटी मेरे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है. और मैंने वही चीज़ यूज़ कर रहा हूँ. मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, यूपीएससी की तैयारी की, मतलब जैम. उसके पास तो हम बैठते ही नहीं थे, ऐसा बैठे बैठे आंसर फ्रेम कर देता था. हमने उसको कहने लग गए कि तेरी तो सिंगल डिजिट रैंक आएगी, यू विल गेट सिंगल डिजिट रैंक सर, ठीक है. तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, बट नाउ ही इज़ वीसी इन वन यूनिवर्सिटी एट ए एज ऑफ 42. तो 42 की एज में एक यूनिवर्सिटी में वो वाइस चांसलर है. तो वो यूपीएससी जो है क्या चीज, मेरा तो है ये, तो वो इम्पोर्टेंट है. मतलब यूपीएससी में रगड़ा लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड नॉट ओनली दिस, मैं कह रहा हूँ कि आपको इन्जॉय भी करना है उसको. अगर बर्डन लेके करोगे ना तो आप जल्दी कोलैप्स कर जाओगे, ये तो मानना पड़ेगा. दिस इज़ नॉट ईजी गेम. और ईजी गेम होता तो आपको कोई आईएएस भी नहीं बना रहा है. मतलब वो चीज़ आपको जो दे रहे हैं ना, दैट इज़ प्राइसलेस. तो ईजी गेम नहीं है, अपने रगड़ा लगाना है और उसको इन्जॉय करना है. उसको बर्डन नहीं लेना, उसको ये नहीं समझना कि यार मैं तो फोर्सफुली 10 घंटे पढ़ रहा हूँ. यू इन्जॉय योर हार्ड वर्क. जिस दिन आपने अपना हार्ड वर्क इन्जॉय करना शुरू कर देना है, अरे थैंक यू, थैंक यू. लो सर मीठा मुँह करिए, मेरी फोटो आ रही है. अच्छा थैंक यू. टेबल पे रखो. तो ये इम्पोर्टेंट है. मैं तो जो भी स्टूडेंट डाउटफुल होता है ना अबाउट यूपीएससी प्रिपरेशन, मैं कहता हूँ इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट. विल यू इन्जॉय दिस प्रोसेस? यस कंटिन्यू, नहीं तो इन्जॉय योर लाइफ. गो टू कॉर्पोरेट सेक्टर, वर्क फॉर 5 days, ऑन फ्राइडे सैटरडे नाइट ड्रिंक लाइक फिश, गो टू गोवा, गो टू एवरीवेयर, इन्जॉय योर लाइफ. बट इफ़ यू हैव डिसाइडेड फॉर यूपीएससी, देन लाइक यू हैव टू इन्जॉय दिस टाइप ऑफ लाइफ. देन यू हैव टू इन्जॉय योर फेज ऑफ योर प्रिपरेशन. उसी हिसाब से आपको करना है पूरा. और बर्डन नहीं लेना, उसको इन्जॉय करना है. ऐसा नहीं कि आपके पेरेंट्स ने भेज दिया आपको कि आईएएस बन जा. नाउ इट्स योर एम, इट्स योर गोल. तो अब आपको ये अपना एम और अपना खुद का गोल बनाना पड़ेगा. अकॉर्डिंगली यू हैव टू पुट योर एनर्जी. सिनॉप्सिस कितना नंबर रहना चाहिए, मतलब 1:10 और 1:20 का रेशियो. ही इज आस्किंग अबाउट नोट्स. दया, इनके लिए चाय वगैरह. बड़ा पाव चाय पूछ लो. ठंडा हो गया, गरम करवा लो. ये उसको बोल दे गरम करके नहीं दे देगा, नहीं तो गरम वाला मंगवा दो. तो ही इज आस्किंग अबाउट द सिनॉप्सिस शॉर्ट नोट.
तो उसका 1:10 और 1:20 का रेशियो होता है। अगर बुक में 10 पेजेस हैं तो उसको एक पेज में कन्वर्ट कर सकते हो, 20 पेजेस को एक पेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, एक्सेप्ट लक्ष्मीकांत, क्योंकि लक्ष्मीकांत तो ऑलरेडी नोट्स है। लक्ष्मीकांत कोई स्टैंडर्ड बुक तो है नहीं, वो तो नोट्स है ऑलरेडी, तो उसका भी जिस बना सकते हो 1:5 या 1:10 के रेशियो में उसको भी शॉर्ट कर सकते हो अपनी फर्दर रिविजन के लिए, इट विल सर्टेनली हेल्प, करेगा हेल्प आपको। सोने का टाइम हो रहा है। रात में पढ़ते हो क्या? अच्छा गुड। मतलब अंदर से फीलिंग आ रही है कि यही ये भाषण कई सालों से सुन रहा हूँ। गुड। कैसा है ऐसे लो ऐसे मेंटोर कैसा चल रहा है लाइफ में? सर ठीक चलता है, कभी कभी तो लाइक जैसे अभी रिसेंटली एक एस्पिरेंट है, सो जब वो स्टार्टिंग में मेरे पास आई थी तो शी इज़ गुड, मतलब शी इज़ डूइंग कंप्लीटिंग ऑल द टारगेट्स, बट क्या हुआ एक डेढ़ महीने बाद उसने इतना ज़्यादा बर्डन ले लिया, उसको ओवरवेलमिंग समझने लग गई कि उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी वगैरह हो गई थी। ये बड़ा तो वो मुझे लिटरली बोली कि मुझे सांस नहीं आ रहा था पढ़ते हुए सर। फिर उसको मेडिकेशन के लिए जाना पड़ा। सो इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ लाफिंग, इट्स सीरियस। हाँ बिल्कुल, मतलब वो गई थी, मतलब बार बार गई थी, फिर मैं उससे बोला कि क्या प्रॉब्लम है, फ़ोन पिक नहीं कर रही थी ऑनलाइन, पहले तो ऑफलाइन आई थी, फिर मैं उससे कॉल पर बात किया तो फिर बोला कि नहीं आप ऑनलाइन, अगर ऑफलाइन नहीं आ रही हो तो ऑनलाइन आओ एंड वीडियो कॉल पर बात करेंगे। तो सेशन पे बात किया, उससे खूब देर तक बात करता पूछता गया, मतलब आई वॉज डिगिंग। फिर मैं बोला आपको क्या पसंद है पढ़ने के अलावा, तो बोलती है कि सिंगिंग पसंद है। मैंने कहा क्या सिंगिंग, तो कैसा म्यूज़िक, तो बोलती है वेस्टर्न म्यूज़िक। तो मैंने उसको लिटरली बोला चल दो लाइन सुना, तो उसने सुनाया, बहुत बढ़िया गा रही थी। तो मैंने बोला यार ये भी एक करियर है तेरे लिए, तो यूट्यूब पर शॉर्ट्स डाल दे, बहुत सारे तेरे को मतलब सब्सक्राइब कर लेंगे। उसको अपने ऊपर ही डाउट हो गया था। तो सर फिर जब उससे मैं बात किया, उस दिन भी बात किया, उसके पास एक पैट था, डॉग था, उसने वो पढ़ने के लिए वो अपना डॉग ही दूसरी जगह भेज दिया था, खुद को एक अलग तरीके से आइसोलेट कर लिया था। तो उसको बोला कि भाई तेरे टारगेट्स ये हैं, घूम कर आ, अगले 7 दिन में बात करूँगा, घूम कर आ, और वो डॉगी को वापस बुला। फिर उसके बाद मैंने 7-10 दिन के बाद उससे वापस बात किया, तो शी वॉज लाइक बेटर, तो बोलती थैंक यू सर। जब सर जब ऐसे बोलते ना कि हाँ लिटरली उसे हेल्प हुआ, तो लगता है कि कुछ काम बढ़िया हो रहा है। अदरवाइज ना तो बोलते जाओ, एक दूसरे कुछ एस्पिरेंट हैं तो उनको बोले कि ये टारगेट कंप्लीट करना है, 10 चैप्टर हैं, तो वो 10 चैप्टर महीने तक ख़त्म नहीं होता है। हाँ ये तो है, काफी मतलब हर तरीके के लोग हैं, कुछ ऐसे हैं दे विल कम, बोलेंगे हमने ये कर लिया, आप बता दो थोड़ा, हमारे आंसर चेक कर लो, इस पर थोड़ा सा गाइड कर दो कि सही लिखा है या क्या इम्प्रूवमेंट करना है। तो मिक्स है, कुछ प्रोएक्टिव है, कुछ करके आएंगे, कुछ को धक्का मार मार के चलाना पड़ता है, तो कभी तो बढ़िया फील होता है, कभी तो लगता है अरे यार ये रोज रोज यही सब करना है। मतलब कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होता है लाइक, बट आप थोड़ा सा कई बार ना उस तरह से लाइक, बट यू आर डूइंग रियली अ वंडरफुल जॉब बाय गिविंग ए पॉजिटिव एनर्जी टू अदर्स। और कई बार क्या होता है ना, जो काउंसलर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो भी उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि यू आर गेटिंग ए नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम अदर एंड यू हैव टू गिव ए पॉजिटिव एनर्जी, बट यू आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब, आप पे पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो और वो आपके साथ उनकी नेगेटिविटी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मुझको सर वो ये बोली कि सर आप ये साइकोलॉजी वाला कोर्स करो, काउंसलर बन जाओ, आपका सेकंड करियर ऑप्शन बता रही हूँ। मैंने कहा अच्छा समझता हूँ मामलों में, और उनसे तो बहुत सीखने को मिला। मैं मेरी लाइफ में मैं अपने आपको लक्की मानता हूँ कि मैंने उनके साथ 8 साल काम किया, मतलब उनके अंडर 8 साल काम किया, तो उनसे मिलने का मौका मिले ना, वो एक एक मिनट आपके लिए कीमती होंगे, कभी भी मिले मौका उनके साथ डिस्कशन होता है। अभी तो मैं पीछे मिला था 2-3 महीने पहले, तो उनसे आधा घंटा बात हुई थी, तो फिर मैं कोचिंग की बातें कर रहा था, मैं बोला ऐसे ऐसे ऐसे, बोला अमित तुम उम्र के हिसाब से ज़्यादा सीख गए, मैं बोला सर पैसे कम होते हैं ना तो सीखना पड़ जाता है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता उनके साथ मेरा। एक भी 10 दिन बहुत ऐसे तो पढ़ाई होती है।
मतलब, और उसके बाद फिर कंसिस्टेंसी नहीं बन पाता, लगता है कि टाइम ही आ गए सब। और इसको कैसे वर्ड मेडिटेशन वगैरह, थोड़ी मैच्योरिटी लाओ। जैसे अब मेरे स्टेज आ गए, हमारे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होती थी। आपको ना देखना, कोई ग्रेट पर्सनैलिटीज़ जो होती है ना, वो अगर कोई अच्छी चीज़ होगी ज़्यादा खुश नहीं होंगे, उनके साथ बुरा होगा तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको अपने आप को ना शून्य करना होगा, बड़ा डिफ़िकल्ट है। ओजा सर हेल्प कर सकते हैं मतलब थोड़ा आपको उस मामले में, बट आपको अपने ना जो भी इमोशंस है ना, उससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। वो आपको 10 साल बाद तो रियलाइज़ हो जाएगा कि आपके साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है। फिर बाद में लगेगा यार ये टाइम चला गया तो ये भी चला जाएगा। वो कहते हैं ना, वक्त बदलता रहता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो आपके साथ कोई अच्छा हो रहा है तो आपको पता है वो पलटेगा, वक्त बुरा भी आएगा, बुरा है तो अच्छा भी आएगा। बट आप अपने काम पर फोकस रखो, 8-9 घंटा 10 घंटा जो भी 6 घंटा पढ़ना है, एक टारगेट लेके चलो, मुझे ये बुक पढ़नी है, मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, वो टारगेट ज़रूर अचीव करो। तो ये पर्सनैलिटी UPSC तो ला देगी चेंज पक्का, बट वो 5 साल बाद आएगा। अगर वो जितना जल्दी आप अपने अंदर, मैं मतलब थोड़ी सी स्पिरिचुअल बात कर रहा हूँ, कि आपको अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह से डेवलप करना होगा कि इररिस्पेक्टिव कि आपके साथ क्या चल रहा है, या हाईली मोटिवेटेड हो किसी दिन लो चल रहा है तो भी आप पढ़ रहे हो, यही आपका अचीवमेंट होगा। दिस इज़ वॉट इज़ रिक्वायर्ड इन लाइफ ऑल्सो। आपके लाइफ में लो चल रहा है तो भी आप काम कर रहे हो, वो करना पड़ेगा। नेगेटिव रिजल्ट से नेगेटिविटी आ जाती है कि नहीं हुआ तो, या ये लगता है कि डाउट होने लग जाता होगा कि नहीं। 3-4 दिन में बर्बाद हो जाता टाइम ऐसे। अच्छा, क्या क्या किया हुआ आपने ग्रेजुएशन में? मेरा इकोनॉमिक्स रहा है, अभी मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी इकोनॉमिक्स में कंप्लीट किया 2023 में, और मेरा ऑप्शनल भी इकोनॉमिक्स है। अच्छा, तो आपको एट दैट लेवल फैमिली बिजनेस है? नो, खुद ही के भरोसे सारा जीवन गुजारना पड़ेगा ना। पापा हैं कॉलेज में, जॉब में है ना, नॉट इन द सेंस घर का कॉलेज है, एडेड कॉलेज है बिहार से बिलोंग करता हूं, तो वहां पे एडेड कॉलेज है। खुद का कॉलेज है क्या? खुद का कॉलेज है कि कॉलेज में पढ़ा रहे हैं एज ए प्रिंसिपल है, या डोनेट किया गया था जमीन? हाँ, उस बेसिस पे बहुत पहले से ही टाइम से वो एडेड कॉलेज ही है, मतलब पूरी तरह से सरकारी, अर्ध सरकारी बोलते हैं। तो वो मिल जाएगा ना, अपने विरासत में है ना, और फिर बढ़िया मन फिर का टेंशन लेनी है। मेरे को उधर जाना ही नहीं है। ये भी एक इशू होता है, ये हमारे साथ बड़ा इशू होता है। घर पर अच्छा तामझाम है, लेकिन सेल्फ मेरा क्या अचीवमेंट है लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी यंग में और उसमें, कि भाई मैंने क्या अचीव किया लाइफ में। वो तो घर वालों का अचीवमेंट है, वो तो मेरे पेरेंट्स का अचीवमेंट है, मेरा क्या अचीवमेंट होगा? और वो उस अचीवमेंट में नहीं जाएंगे, हम अपना खुद का अलग से अचीवमेंट पैदा करेंगे, उसी को बड़ा कर दो। ऐसे मतलब वो मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है, इन्हें नहीं हो रहा ना, अब मुझे लग रहा है यार घर वालों के काम में ही आगे मेहनत कर लिए होते तो वो ज़्यादा नहीं। ठीक है यार, होगा फार्मर बैकग्राउंड से तो खेती वगैरह है, उतना कोई इशू नहीं है, बट उधर हम नहीं जाना चाहते। फिरौती विरौती का भी इशू रहता है क्या वहाँ पे? नहीं बिल्कुल करो यार, मेहनत करो और क्या, देर इज नो शॉर्टकट। मतलब ये पूछ रहा है, लाइक ही इज आस्किंग व्हाट इज द बेस्ट एज टू एंटर फॉर UPSC प्रिपरेशन एंड व्हेन टू क्विट, व्हेन टू एग्जिट। देखो मुझे लग रहा है कि UPSC जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, UPSC का अटेम्प्ट पहला अच्छी प्रिपरेशन के साथ देना चाहिए। क्विट का ये है, वंस यू आर इन दिस मैस या जो भी है स्वैम्पी थिंग, देन मेरा पर्सनल होता कि लाइक आई हैव 6 अटेम्प्ट, आई विल गिव ऑल 6 अटेम्प्ट। डोंट गो आफ्टर मनी, क्योंकि पैसे तो आप सारी उम्र कमा सकते हो। मेरा ही है, मैंने 30 साल की उम्र में पैसा कमाना स्टार्ट किया, मेरे फ्रेंड्स ने 21 साल की उम्र में पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया, तो विद इन 10 ईयर हम बराबर हैं, क्या फ़र्क पड़ गया? तो वो बराबर हो जाएगा मनी एवरीथिंग, बट एक चीज़ के लिए अगर ट्राई कर रहे हो ना, उसमें पूरी एनर्जी डाल दो, बीच में मत छोड़ना अनटिल अनलेस कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उससे ज़्यादा है। कि मतलब ये है कि
आप MBA करके 20-25 लाख रुपए का पैकेज छोड़ के आए हो और वो आपको एक कॉस्ट है कि नहीं, आप अगर ज़्यादा दिन नहीं जॉब करेंगे तो वो आपके लिए एक हैम्पर होगा। अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की है वेयर फॉर यू जो मार्केट में जॉब 4 से 5 लाख रुपए की रेंज की है, तो आप अपने सारे अटैम्प्ट कोशिश करो जल्दी से जल्दी सेलेक्ट होने की, बट 2 अटैम्प्ट 5-6 हैं तो 2 बीच में मत छोड़ो। अब और ये ऐसा मत सोचो कि एक ही साल में मेरा सिलेक्शन हो जाए, अपनी एनर्जी मेंटेन रखो और पूरी जान डालो और क्या ये है। सर प्रीलिम्स में हम लोग कम पढ़ते हैं, एग्जामिनर ज़्यादा पढ़ता है। एग्जामिनर तो ज़्यादा पढ़ रहा है क्योंकि एग्जामिनर को तो एक ही पेपर बनाना है, 100 ही क्वेश्चन बनाने हैं भाई। एग्जामिनर आप क्वेश्चन को ना अगर इन बिटवीन द लाइन पढ़ के देखोगे ना, आपको अच्छा ये एग्जामिनर इस डेप्थ का क्वेश्चन पूछ रहा है। कुछ तो रैंडम क्वेश्चन है, 200 नंबर थोड़े ना लाने हैं, बट लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है, बेसिक चीज़ें हैं वो सारी तो कंप्लीट करनी पड़ेगी ना आपको। थोड़ा फसा रहा है सी सेट में, तो खैर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गए, नंबर सिस्टम वाले हो गए, बट GS में भी, बट एक लेवल के बाद अच्छा लगेगा, थोड़ी सी और मेहनत करो। लास्ट ईयर जब मैंने क्लास किया था तो मेरा पूरा क्लियर था और मॉक्स में भी मेरे अच्छे खासे नंबर भी आ रहे थे, और प्रीवियस ईयर जो था हम अच्छे से कर लिए, 2-3 बार उसको रिवाइज टाइप कर रहे थे, तो मेरे को नहीं लगा कि इशू होगा सीसैट में। नहीं नहीं, कई बार क्या होता है मैं बताता हूँ, जैसे कि ये भी एग्री करेंगे, जब आप प्रिपरेशन फेज में होते हो ना, अपना बच्चा सबको अच्छा लगता है, आपने जितने लेवल की प्रिपरेशन की होगी ना, आपने अपना उतना स्टैंडर्ड मेंटेन कर लिया होगा। हाँ मैंने इस, आपने माइंड में स्टैंडर्ड बनाया होगा मेरे को इतना पढ़ना है, और आपने उतना अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। अब आप धीरे धीरे होंगे थोड़ा और डेप्थ पढ़ना है, फिर आप क्या, हम काम चोरी करते हैं, हम उतनी डेप्थ बढ़ा रहे हैं। तो पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल में एनालिसिस करो, फिर अपनी एक लिस्ट बनाओ कि कहाँ कहाँ आप लैगिंग बिहाइंड हो, और कई चीज़ें हैं ना आप अवॉइड करते आए होंगे, जैसे इकोलॉजी की कन्वेंशन हम अवॉइड कर देते हैं, वहाँ UPSC फंसा लेता है। जहाँ भी आपको लग रहा है ना डाउटफुल है, वो डाउट खत्म कर डालो, नहीं तो UPSC वहाँ पकड़े पकड़ेगा आपको, या तो प्रीलिम्स में पकड़ लेगा, नहीं तो मेंस में पकड़ लेगा, नहीं इंटरव्यू में पकड़ लेगा। कहीं भी डाउट नहीं छोड़ना अपने को। इस बार CSAT में सर क्या, वो जब अपने पास क्वेश्चन पेपर आया, तो फर्स्ट पेपर मेरे को अच्छा लगा, सेकेंड पेपर आया ब्लॉक कर गया कि कैसे सॉल्व करना है, जो भी स्टेप आगे करे उसके बाद आंसर ही नहीं आ रहा था, वही डिफिकल्ट क्वेश्चन के हाथ लगा लिया। CSAT तो फिर मार्जिन पे खेल रहा है, अगर कोई कैट बैकग्राउंड का नहीं है ना, उनके लिए एक मार्जिन बना रहा है कि आपने डिसीजन भी अच्छा लेना है और इजी और मॉडरेट क्वेश्चन ही टारगेट करने हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन टच किए तो खेल खराब है।